चीटेरियों का यही गढ़ है जी, यही सारा व्यापार होता है, लेन देन भी यही होता है, अपना वो जो लगाते हैं सिस्टम वो भी यही लगाते हैं। वो ये इलेक्शनों में फिर रहे हैं, कोई कह रहा है भाई साहब 500 रुपये देंगे वो वाले, वहाँ चले जाओ, तो हम यूँ सोचते चल 500 रुपये वो वाले देंगे, वहाँ चले जाते हैं। इस वक्त हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे हमने देखा लैंड फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हमें पता चला शिलान्यास किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, लेकिन एक ईंट भी नहीं रखी गई। इसका मैडम खट्टर साहब ने भी शिलान्यास कर दिया, JJP पार्टी ने इसका टेंडर करवा दिया और हमारे MLA साहब ने भी काफ़ी किया है, बट अभी ग्राउंड पे कुछ नहीं है, आंकड़े के पौधे है, तारबंदी है, आंकड़े के पौधे है, इसके अलावा फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब कागजों में हुआ है तो हमें पता नहीं है। क्रेडिट सब ले रहे हैं लेकिन, हाँ क्रेडिट सब ले रहे हैं क्योंकि वो कह रहा है मैंने करवा दिया, वो कह रहा है मैंने करवा दिया, अब आपके सामने है। देखिए क्रेडिट सारे नेता ले रहे हैं, सारी पार्टीज ले रहे हैं, लेकिन अब हाल देखिए। बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे यहाँ पे कि भी हमने इसका टेंडर करवा दिया है, टेंडर वालों को भी और भी, बाकी कुछ नहीं है यहाँ। अभी मैं ऐसे आपसे बात करूँ तो लोग ये भी कहेंगे इन्होंने अपने लोग बिठा लिए, बट मैं बता दूँ अभी हम यहाँ पे स्टोरी करने आए थे बट सर हमें रास्ते में मिल गए। जी जी बिल्कुल, मैं यहाँ से जा रहा था अभी, आपको देख के आपने ये आवाज़ लगाई फिर मैं रुका। अब ये भाई तो अपने ये भाई से रुके हैं, कोई बात नहीं, वो भी मेरे को पता लग गया था मुद्दा क्या चलने वाला है, इसलिए मैं रुक गया था। आप क्या करते हैं? मैं फिलहाल तो बेरोजगार बालक हैं हम, हरियाणा वाले तो ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार ही रह रहे हैं जी, और पूछोगे तो और बता देंगे, पूछो जी आप पूछो। आप बेरोजगार हैं, क्या कहाँ तक पढ़ाई की है, क्या खेती बाड़ी भी नहीं करते? ना 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 जी, कोई पढ़ाई नहीं, 10वीं भी मुश्किल से पढ़े पाए हम। तो जब 10वीं नहीं पढ़ पाए तो कैसे रोजगार की उम्मीद करते हैं? रोजगार तो देखो अब रोड पे वो बिहारी कहते हैं ना, बिहारी वो भी काम लाग रही है कोई ना कोई वास्ते। क्या काम चाहिए? अच्छा कोई भी कुछ भी दे दो, काम छोटा बड़ा नहीं होता। अम्मी जान कहती थी वो डायलॉग सही बात है, उसमें कह रहे थे काम कोई छोटा मोटा नहीं है, कोई भी काम। काम करने के लिए आप तैयार हैं लेकिन काम ही नहीं है? हाँ काम नहीं है, काम है। अब ये इलेक्शनों में फिर रहे हैं, कोई कह रहा है भाई साहब 500 रुपये देंगे वो वाले, वहाँ चले जाओ, तो हम यूँ सोचते चल 500 रुपये वो वाले देंगे, वहाँ चले जाते हैं। पर ये आप गवर्नमेंट वाला कह रहे हो ना, ये सब मैं जानता हूँ, ऐसा है नहीं। सारे जो कह रहे हो आप क्रेडिट ले रहे हैं, मैं सब पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं नॉलेज सब रखता हूँ। फिलहाल पहले चल रहा था मजाक, अब जो आप पूछना चाहते हैं मुझसे पूछिए। मजाक नहीं, वो भी सीरियस था। आप एक्चुअली रोजगार ढूंढ रहे हैं या नहीं? ना, मैं रोजगार ढूंढ रहा हूँ वैसे तो, मेन बात तो है ये, लेकिन ठीक है पढ़ा लिखा मुझे इतना नहीं, मैं समझ सारी रखता हूँ। समझ रखते हैं तो हम यही बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से हालात है, मैं देख रही हूँ यहाँ कपड़े पड़े हैं, यहाँ पे लोगों ने, मुझे लग रहा है यहाँ लोग नशे करने ज़्यादा आते हैं, या मेडिकल कॉलेज तो खुल गया। फिलहाल आप ये देख रहे हैं ना अभी, नहीं ये बात आपकी बिल्कुल राइट है, इस रोड पे काफ़ी हद तक यही काम चलता है, शाम के बाद में तो यहाँ से ये समझ लो कि कोई लड़की अकेली यहाँ से जा नहीं सकती, ठीक है। लेकिन बाद अभी तो फिर भी सुधार करके आती हूँ, अभी तो फिर भी यूँ लग रहा है कि ठीक सुधार की हालत है। नहीं नहीं अभी बता रहा हूँ, नहीं तो पहले क्या था, 10 दिन पहले देखो तो ये अभी झाड़ी जुड़ी है इसलिए कट रही, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है, नहीं तो यहाँ इतना गंद और सब कुछ यहाँ से, लड़की तो शाम के टाइम सही कह रहे हैं भाई साहब जा ही नहीं सकती। करते हैं लोग शाम के टाइम करके, या कोई स्कूटी पे वहाँ लोग ऐसे खड़ा तो वहाँ बैठते हैं, शाम को ये रास्ता सही है ही नहीं लड़की के लिए। तो वैसे ऐसी कभी वारदात नहीं हुई, लेकिन वैसे ड्रिंक करते हैं लोग गाड़ी के लोच के कारण, मान लो कहना चाह रहा हूँ मैं ये बात। और दूसरी बात ये कि सारी नॉलेज भाई साहब को है, ये दे देंगे, मैं तो आपको देख के रुक गया, बाकी जय हिंद जय हरिया। स्कूल जा रहे हो या कॉलेज? नहीं हम एडवोकेट हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिरसा। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, ये जो यहाँ लैंड फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ये शिलान्यास भी किया इसका द्रौपदी मुर्मू ने, ईट भी नहीं लगी, क्या कहना है? देखो जी वो तो आने वाली सरकार पे डिपेंड है, अभी ये सरकार तो गई। वोट देते होगे ना आप, किस आधार पे? कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं यहाँ? महिलाएं जी कुछ सुरक्षित नहीं है आज के टाइम में जी। अच्छा यहाँ नशा भी है बहुत ज़्यादा? हाँ जी नशा तो एक नंबर पे है जी। और इस रोड पे, क्योंकि ये रोड तो मुझे लग रहा है क्योंकि मैं देखी सिरिंज है यहाँ पे, यहाँ तो ये पूरा हाँ ही होता है बस। जी हाँ जी, यहाँ मतलब लड़कियाँ अकेली नहीं जा सकती जी इस रोड पे, कोई भी एक अकेली लड़की नहीं जा सकती जी।
अभी ये थोड़ा सा आगे लोग को है जी, यहाँ मिल जाएंगे आपको चार पांच लड़के या जो भी। मेडिकल कॉलेज आयरन ही देख रहे हैं आप, मेडिकल कॉलेज का यहाँ शिलान्यास हुआ लेकिन अब यहाँ पे लड़कियाँ जा भी नहीं पा रही है इस तरीके का मेडिकल कॉलेज। जी 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 मैडम। आप क्या करते हैं? मैं भी एडवोकेट हूँ। एडवोकेट? हाँ जी हाँ जी। बताइए क्या कहना है, इस उम्मीद होगी जिससे कि अब कोई मेडिकल कॉलेज आएगा कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, इलाज यही हो जाएगा, फिर क्या अब उम्मीदों पे पानी है? उम्मीद है पर अब ये तो इसके बारे में आगे कुछ कह नहीं सकते कि कब इसका मतलब बनाएंगे या कुछ भी है, सिर्फ इन्होंने भी लग रही है कि कुछ बनेगा आगे तक तो भाई नहीं, कोई उम्मीद नहीं है जी, नहीं ऐसे ही बस यहाँ पे पेड़ उगते रहेंगे। वो जी एक बार श्रेय लेना था वो ले लिया उन्होंने तो बस श्रेय का है क्या सारा गेम? जी नहीं बताइए, आप सुरक्षित महसूस करते? फिलहाल अभी तो हाँ सुरक्षित महसूस करते हैं, बट जैसे अभी चल रहा है माहौल, अभी इस तरीके का माहौल है थोड़ा सा बताएं यहाँ सिरसा के बारे में। यहाँ पे तो अच्छा है, शांति माहौल है, यहाँ पे सब चीज़ें हैं, अभी तक तो हम सेफ हैं। नहीं बट सेफ तो जैसे मैं बात कर रही हूँ ये जो गर्ल, हाँ इस रोड की मैं कह सकती हूँ कि लड़कियाँ तो यहाँ पे नहीं सेफ हैं, यहाँ पे अकेली तो नहीं जा सकती हैं। कोई इंसिडेंट हुआ क्या कभी? इंसिडेंट तो कभी कोई सुनने में नहीं, नहीं सुनने में तो नहीं आई थी, लेकिन चिटेरी लगभग इसी चिटेरियों का यही गढ़ है जी, यही सारा व्यापार होता है, लेन देन भी यही होता है, अपना वो जो लगाते हैं सिस्टम वो भी यही लगाते हैं। हाँ जी, और यहाँ स्टूडेंट का भी बहुत अच्छा खासा मतलब आना जाना लगा रहता है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी भी है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आते होंगे ना? जी जी जी, वो स्टूडेंट्स से भी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं उनसे, ऐसे लोगों से, और बस जी कारोबार सारा इन दोनों चीज़ों का यहीं से होता है जी। एडवोकेट हैं आप दोनों जी? एक्टिस कर रहे हैं? नहीं हमारी इनरोलमेंट हो चुकी है जी। जी चल, क्या चाहिए, क्या मुद्दे हैं लड़कियों के, मुद्दे थोड़े से बताओ यार, आप पढ़े लिखे हो। लड़कियों के मुद्दे जी, एक तो लड़कियों की सेफ्टी सबसे बड़ा है जी, और एक बेरोजगारी दूर की जाए, मुद्दे दो ही है जी। दोनों पे काम हो ही नहीं रहा, कभी नहीं हुआ या काम दोनों पे ही नहीं हो रहा जी? मेन मुद्दे भी यही है और काम भी इन दोनों पे ही नहीं हो रहा। हाँ जी। चलिए वोट देते होंगे ना? हाँ वोट देते हैं जी। किस आधार पर दोगे इस बार? इस बार वोट नहीं देंगे जी, इस बार नोटा। क्यों? नोटा तो वेस्ट हो जाता है। नहीं हर एक सरकार देख लीजिए कोई काम नहीं करती जी, सब अपना अपना घर भरते हैं। हाँ जी। लेकिन नोटा नहीं लगता आपको वेस्ट हो जाएगा? नहीं वेस्ट तो जी इनको नहीं, दोबारा चुनाव नहीं होंगे उसके बाद, मान लीजिए आपने वोट भी दिया वो तो वेस्ट हो जाएंगे। नहीं जी जिनको देते हैं फिर वो भी तो काम नहीं करता, इससे अच्छा वेस्ट ही सही है। अच्छा यहाँ से कैंडिडेट खड़े हैं मैंने सुना है, वो पढ़े लिखे हैं CA की पढ़ाई है, देश स्वामी जी जी, उनको मौका देके देख लीजिए शायद। अभी वो तो देखते हैं जी मैं उनको प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि शायद पढ़े लिखों को मौका देना या नहीं, क्योंकि गोपाल कांडा गोकुल सेतिया हैं दो। नहीं जी पार्टी बाजी के बारे में नहीं कुछ बोल सकते जी, किसी पार्टी से हम भी जुड़े हुए हैं। अच्छा आप भी जुड़े हो किस पार्टी से? जी मैं इन 100 स्टूडेंट हुई है अपने CDLU में। अच्छा हाँ जी ठीक है, लेकिन फिर भी आप बताइए किस बारे में, पार्टी के बारे में, किस आधार पर वोट देंगी, इसके देंगे या नोटा आप भी? वो तो देखेंगे अब किस सिदार पे देना है। दोनों ही स्टूडेंट लीडर मिल गए और उन्होंने मुद्दे बहुत अच्छी तरीके से भी रखे हैं, लेकिन किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छा आपकी पार्टी ने सपोर्ट किया फिर? हाँ जी हमारी पार्टी ये लेके आई थी जी, लेकिन अभी तो इस बारे में मौन ही ठीक हूँ मैं। मौन ही ठीक हो? हाँ जी मौन से ज़्यादा अच्छा बोलोगे तो शायद काम हो जाए ना। देखो जी उन्होंने शिलान्यास भी करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, अब बनने का तो पता नहीं, सरकार आएगी तो बनेगा, अगर उनकी सरकार ही नहीं आई तो बनेगा ही नहीं जी। युवा लीडर हैं दुष्यंत चौटाला, इतने सारे यहाँ पे देख, चौटाला हाउस है यहाँ पे जी जी, फिर भी कुछ काम नहीं हो पा रहे ये तो बस ये पार्टी के हालात सही नहीं है अभी। पार्टी के हालात ही सही नहीं है जी। हरियाणा सरकार ने दावे किए कि हर जिले में गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल का हम उपलब्ध कराएंगे, लेकिन उसकी हालत हमने आपको दिखाई, 2 साल बाद भी क्या हालत है, शिलान्यास के बाद क्या हालात है, क्या है स्थिति, लोगों से बातचीत किया और आपके सामने वो तस्वीर रखी। शायद यही कारण है कि BJP का हरियाणा में इतना ज़्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। आपका क्या कहना है, क्या लगता है कब तक बन जाएगा ये कॉलेज?